दहीसर विधानसभा युवा कांग्रेस के महासचिव सुमित सिंह व आशीष मिश्रा के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी व उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कालू बुधिलिया जी के हाथों संपन्न हुआ। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस की महासचिव शीतल महात्रे जी, जिला कार्याध्यक्ष श्री राजेंद्र शिरसाट जी, NSUI महाराष्ट्र के पदाधिकारी संदीप पांडे जी, मुंबई कांग्रेस के पूर्व सचिव किशोर सिंह जी, मुंबई कांग्रेस के सचिव पवन शर्मा जी, मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य प्रमोद लोकरे जी, अभय चौबे जी, श्यामलाल यादव जी, चौथी प्रसाद गुप्ता जी, विकास पांडे जी व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुंबई युवक कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है और हमारे युवाओं में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से मुंबई के राजकीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का युवकों ने ठान लिया है और मुंबई के महानगर पालिका इलेक्शन में कांग्रेस निश्चित रूप से एक अच्छी बड़ी पार्टी करके सामने आएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, शिवसेना के साथ मिलकर पार्टी लड़ी, कांग्रेस से क्या लगा? स्थानिक लेवल पे इस सब इशू का निर्णय लिया जाएगा और उसके आधार पर जो भी हमारे स्थानीय कार्यकर्ता निर्णय लेंगे उसी आधार पर चुनाव का निर्णय होगा। क्या क्या अरे भाई, वो शिवसेना के नेता है और वो शरद पवार जी से भी मिल सकते हैं, वो मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं, नाना पटोले से भी मिल सकते हैं, तो इसमें मिलने से कोई अटकलें लगाने का कोई कारण नहीं। ये जो रोज का जो हमारा रूटीन होता है उस आधार पे वो मिले होंगे। संजय निरूपम से कोई विवाद नहीं है, संजय निरूपम पार्टी के साथ काम कर रहे, ज्येष्ठ नेता है और पूरी तरह ताकत के साथ मुंबई महानगर पालिका में उनका बड़ा रोल रहने वाला है। आने वाले इलेक्शन में आपको पता चलेगा, तो इसलिए अभी से इस बात का बहुत क्योंकि सभी मीडिया में यही पूछा जाता है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बेरोजगारी है, महंगाई है, कोविड जैसे बीमारी जो मोदी ने बीजेपी ने इस देश में लाई है उसमें लोगों की जान बचाना है, सबसे बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं और कांग्रेस इस सभी प्रश्नों को लेकर लड़ रही है, लोगों को न्याय देने की व्यवस्था बना रही है। चुनाव के समय में जो निर्णय लेना है वो हम लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव 2014 में 2024 में उसको 3 साल बाकी है और जब चुनाव के समय में वो भी डिसीजन लिया जाए। आदरणीय गुरुवर हमारे नाना भाऊ पटोले जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाऊ हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी आज अपना आशीर्वाद देने के लिए इतने अपने व्यस्तता का समय निकाल के हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने हमारा इतने समय तक इंतज़ार किया और हमारी बातों को, हमारे संघर्ष को आगे ले जाने के लिए जो हमने मुहिम उठाई है उसमें सहयोग किया। आने वाला महानगर पालिका चुनाव है, यहाँ पर नया कार्यालय खुला है, किस तरह से रणनीति बनाकर आप लोग कार्य कर रहे हैं? रणनीति स्पष्ट है, जनता का हर एक समस्या से जुड़ा हुआ कार्य स्पष्ट रूप से होना चाहिए, जिसमें से कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं प्रभाग क्रमांक 3 प्रभाग क्रमांक 4 ये दोनों ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे जनता को बहुत सारी समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है। एक लोगों की शिकायतें आती थी लेकिन एक स्थान न हो पाने की वजह से हम लोगों को इतनी दिक्कत हुई कि उनकी बातें सुनने को हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा था। हमारे सहयोगी श्री सुमित सिंह जी उर्फ गौतम भाई, इन्होंने काफ़ी दिनों से संघर्ष किया और हमने दोनों ने मिल के आज नाना भाऊ का समय लेके ये कार्यालय को खोला और ये स्पष्ट है कि ये जनता के हित के लिए खुला हुआ कार्यालय है। 24 घंटे 7 दिन और पूरे वर्ष हम जनता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। आपका जो क्षेत्र है नागा थाने विधानसभा में आता है, ज़्यादातर एरिया वन विभाग से जुड़ी हुई है, आपकी सरकार भी है, तो आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ की जो समस्या है उसको निकालने का? बिल्कुल, ये ऐसा जुड़ा हुआ मामला कुछ महीनों पहले भी आया था, कुछ दिनों पहले भी आया था। कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, आने वाले एक हफ्ते के भीतर ही
बड़ा मोर्चा निकलेगा और सभी को न्याय मिलेगा, क्योंकि किसी को अधिकार किसी का छीनने का किसी को भी नहीं है और हमारी सरकार है, तो मैं पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा कि उनको न्याय मिले। लेकिन सरकार में आप बैठे हैं, कैसे लड़ाई? सरकार में बैठे तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हम सरकार से कुछ कह ना सके। वन विभाग का जमीन जो है, बिल्कुल, लेकिन वो जो नागरिक रह रहे हैं वो भी तो हमारे ही है। वन विभाग का जमीन जो है वो आज से नहीं है, कम से कम 30 साल से फ्रेम चल रहा है, आज तक का सलूशन निकला है नहीं है, आज तक। अब निकलेगा। कैसे? विश्वास दिलाता हूँ निकलेगा। लेकिन ये बागा ठाड़े है और दहिसा विधानसभा का बोर्ड लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि आप इस तरफ देखेंगे तो मागा थाने विधानसभा है और सामने देखेंगे तो दहिसर विधानसभा है, वार्ड के हिसाब से, क्योंकि हमें वार्ड की जनता की समस्याएं सुलझानी है। और मौजूदा समय में एक जनता की सेवा के लिए पार्टी ने हमें मौका दिया युवक कांग्रेस का चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़े और जीत के यहाँ पे आए। जीत के आने के बाद हमारा दायित्व था कि हम लोगों की सेवा कैसे करें, तो हमने एक जगह को सिर्फ चुना जो हमारे अनुसार था, जितनी हमारी क्षमता थी, तो हमारे क्षमता के अनुसार हमें ये चीजें मिली हैं, तो यहाँ के माध्यम से आगे और कदम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से यहाँ पे 3-4 वार्ड में कांग्रेस जीरो हो चुकी थी, बहुत सारे यहाँ के लोग थे जो कांग्रेसी थे, आज के टाइम पे हमको उनको ढूंढना पड़ेगा। 3-4 में कोई आगे बढ़ने वाला नहीं था, कोई लीडर नहीं था, और यहाँ की आज लोगों ने हम ऑफिस होने से पहले लोग यहाँ पे आए, हमसे मिले, अपनी समस्या बताए और बोले कि हम कट्टर कांग्रेसी हैं, आज से 70 साल से हैं, लेकिन हमें कोई लीडर मिल रहा नहीं था किसके पास हम जाएं। तो ये उनके सपोर्ट से और उनके सहयोग से उन्होंने मौका दिया, हम उनका जो सपोर्ट है और जो उनका सहयोग, जो उनके विचार है, हमको पूरी तरह से फुलफिल करेंगे।